जयपुर की झांकी टेकरी स्थित स्टॉप डैम में डूब गया। बताया जा रहा है कि पंडरी कालीनगर में रहने वाला 22 साल का युवक है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ बताया जा रहा है, जो कि अपने 10 दोस्तों के साथ घूमने के लिए स्टॉप डैम गया हुआ था। युवक डैम में नहाने के लिए कूदा और गहरे पानी में जाकर फंस गया। परिजनों के मुताबिक मौके पर मौजूद दोस्तों ने उसको बचाया नहीं, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विधानसभा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डूबे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। मौके पर परिजनों से हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने बातचीत की है, क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। राजधानी रायपुर के टिकारी गांव के जो एक स्टॉप डैम है, वहां पे एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मोहम्मद आरिफ नामक एक युवक जो पंडरी काली मंदिर के इधर रहता था, वहां पे ये अपने दोस्तों के साथ यहां पे घूमने आया है और आने के बाद इसी स्टॉप डैम में नहाने उतरा है और वो फिर उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आया और उसके बाद उसके उसके डूबने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम था और कहाँ का रहने वाला था और क्या करता था और कहाँ यहाँ आया था? मोहम्मद आरिफ नाम था उसका, कैमरा मैकेनिक था, कैमरा फिट करता था, दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हुआ था। तो यहाँ का नहीं पानी भी गया तो भंवर में ही फंस गया, फिर बाहर नहीं निकल पाया वो। जी, उसके साथ में कुछ और लोग भी थे, वो लोग 20 लोग थे, उन लोग 15-20 लोग थे, जिसमें से उनके जो साथी थे उन लोग आगे जाके खोजे, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं आया। उनके साथी लोग उनको छोड़ के भाग गए, दो लड़के बस यहाँ रुके थे, बाकी 15 लोग में से सब भाग गए थे यहाँ से। उसके बाद ये एसडीआरएफ की टीम भी आई थी, उसने क्या यहाँ पे कुछ रेस्क्यू किया? रेस्क्यू किया, 15 मिनट आए, बस बोट को डाले और फिर वापस चले गए। उन लोग कोई रेस्क्यू नहीं किए, सिर्फ आए घूमे और चले गए। 6 बजे के बाद हमारे को अनुमति नहीं है बोल के चले गए वो। ये थे मृतक जो आरिफ है उसके परिजन, और बता रहे थे कि यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया है और आने के बाद यहाँ नहाने उतरा है, उसी दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसको अभी नहीं खोज पाई है और जिस तरीके से अंधेरा हो जाने की वजह से अभी एसडीआरएफ जो है कल सुबह से जो है सुबह 5 बजे वो उसको यहाँ पे फिर से दोबारा रेस्क्यू कर उसकी तलाश में जुटेगी। कैमरामैन अनिल नागले के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।